नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपने घर पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं वो सरकार की सब्सिडी के साथ, तो बहुत बड़ी स्कीम पीएम सूर्यघर योजना ऑलरेडी चल रही है। इसमें दोस्तों आपको क्या होता है कि अगर आप अपने घर पर सोलर पैनल लगवाते हैं तो सरकार सब्सिडी के साथ सोलर पैनल लगवाती है, आपको सरकार सब्सिडी देती है। ये सब्सिडी दोस्तों 78,000 रुपये तक की हो सकती है। तो आज हम पीएम सूर्यघर योजना का पूरा डिटेल के साथ वीडियो इसमें लेकर आए हैं, कैसे आपको आवेदन करना होता है पीएम सूर्यघर योजना में, सब्सिडी का क्या प्रावधान है और कैसे आप इसके लिए, पूरा डिटेल हम वीडियो लेकर आए हैं और लाइव करके दिखाएंगे। तो मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं तो पीएम सूर्यघर योजना एक बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें लगभग 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाए जाने हैं और हर एक किलोवाट पर, 1 किलोवाट पर दोस्तों 30,000 रुपये की छूट मिलती है, 2 किलोवाट पर 60,000 की, और तीसरा किलोवाट अगर आप लगवाते हैं तो आपको टोटल 78,000 रुपये की मैक्सिमम सब्सिडी मिलेगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको आवेदन करना होता है, आवेदन करने के बाद वेंडर आपको असाइन होता है और आपको वेंडर से बात करनी होती है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वेंडर सस्ते में लगाए, वहाँ पर भी आपको बार्गिंग करनी होती है। और अगर आपका लगता है कि हमारा ये वेंडर जिसको मुझे टेंडर मिला है ये हमारा काम सस्ते में कर रहा है, तो आपको सोलर पैनल लगवा लेना होता है, क्योंकि सब्सिडी सरकार पहले नहीं देती। जब आप लगवा लेते हैं इसके 30 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में सब्सिडी क्रेडिट की जाती है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है उसके लिए हम ले चलते हैं आपको डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों अगर आप और डिटेल चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर पर पीएम सूर्यघर और इसका झागड़े न्यूज लिखना है, तो आपको देखिएगा ये पहला वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते दोस्तों मैंने एक डिटेल आर्टिकल लिखा है इस स्कीम के विषय में, तो आप और भी पढ़ सकते हैं सारी डिटेल। आज हम लाइव करके देखने वाले हैं, तो मैंने पीएम सूर्यघर योजना का जो लिंक है वो भी प्रोवाइड कर दिया। ध्यान ये रखना दोस्तों, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही यहाँ पर आवेदन करना है, आप किसी फर्जी वेबसाइट से आवेदन बिल्कुल ना करते। मैं फिर से आपको सलाह देना चाहता हूँ, इसलिए आप हमारे एक बार वेबसाइट पर जरूर आएँ। और ये देखिएगा लिंक मैंने दिया है pmsurghar.gov.in, इसी की वेबसाइट पर आपको जाना है। तो इसको मैं नए टैब पर ओपन करूँगा, तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर रूफ टॉप सोलर का ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करना है। अब आपको ऐसे पैनल पर आएंगे, यहाँ पर देखिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा दोस्तों, फिर लॉगिन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन का विंडो यहाँ पर खुलेगा जिसमें आपको अपना स्टेट और अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना डिस्ट्रिक्ट जो कंपनी आपके यहाँ बिजली भेज रही उसका नाम और कंज्यूमर अकाउंट नंबर, बिजली बिल संख्या भरकर नेक्स्ट करना होगा। आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना होगा, अपना एक आईडी और पासवर्ड यहां से क्रिएट कर लेना है। जब आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाए फिर आपको लॉगिन बटन पर, आप यहां से भी आ सकते हैं या लॉगिन हेयर यहां पर भी आ सकते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर आपने अभी रजिस्टर्ड किया वो, और इसके बाद अभी पेज दोस्तों लोड हो रहा है, तो ये लोड हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अपना इंटर ये पासवर्ड, ये जो आपको कैप्चा दिख रहा है ये डाल करके नेक्स्ट करना है। आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, कुल मिलाकर आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर पूरा डैशबोर्ड खोल कर आ जाएगा। पहले हम लोग डैशबोर्ड बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं, इसके बाद आपको पूरा फॉर्म भर कर भी मैं दिखाने वाला हूँ। तो इस डैशबोर्ड में सबसे पहले आपके पास अप्लाई फॉर सोलर रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 3 स्टेप्स आपको दिखेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। ये आपको 3 स्टेप भरने, और अगर आप इधर देखेंगे करंट स्टेटस, अप्लाई फॉर सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन, फिजिबिलिटी अप्रूवल, सबमिट इंस्टॉलमेंट डिटेल, इंस्पेक्शन डिटेल और प्रोजेक्ट कमीशन डिटेल स्टेटस, ये आपको सब भरना है। तो मैं आपको जैसा कि स्कीम को समझा देता हूँ पहले दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले ये अप्लीकेशन जो फॉर्म है इसे भरना होगा। इसके बाद आपको दोस्तों सेकेंड, जब आपका अप्लाई फॉर सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलमेंट के लिए हो जाएगा पहला स्टेप कंप्लीट, फिर कुछ देर आपको वेट करना होगा। आपके पास जो वेंडर हैं, जो सरकार के वेंडर रजिस्टर्ड हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके एरिया में वेंडर कौन है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिख रहा है, यही कंपनी वेंडर मीन्स होता है दो सोलर कंपनियाँ, ये आपको कॉन्टेक्ट करेंगी और आपसे बताएंगी कि आपने सोलर इंस्टॉलेशन के लिए रूफ टॉप स्कीम में आवेदन किया है, तो कि आपको रेट वगैरह बताएंगी कि 1 किलोवाट का इतना रेट है, 2 किलोवाट का इतना रेट है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं
आप केवल एक कंपनी, क्योंकि हो सकता है कोई कंपनी आपको महंगे दाम बताए, कोई सस्ते बताए, तो आपको बार्गेनिंग करनी है। और इसके बाद ही जब आपको लगे, आप मार्केट में भी एक बार पता कर लें कि 1 किलोवाट का सोलर पैनल आपको कितने रुपए का पड़ रहा है, और ये जो वेंडर यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, देखिए मार्केट से अगर आप लगवाएंगे तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, आपको इन्हीं वेंडर से ही लगवाना होगा, ये यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया है। इसके बाद ये आपको क्या क्या देंगे, सारा डिटेल आप कंपनी से बात करने के बाद, जो कंपनी आपको सस्ते में सोलर पैनल लगाएं उस कंपनी से आपको लगवाना है। तो कंपनियां कैसे देखेंगे, इसलिए देखिए इम्पैनल्ड वेंडर्स इन माय एरिया, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से पहले मैं फॉर्म भरना आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले स्टेप फर्स्ट में डिटेल ऑफ एप्लीकेंट भरना है, जैसे कि नेम एज पर इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसके नाम इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसका यहाँ पर नाम भरना है, कैटेगरी भरनी है जनरल ओबीसी एससी एसटी जो भी है, एड्रेस ऑफ प्रीमाइसिस ऑफ इंस्टॉलमेशन, जहाँ पर आपको सोलर पैनल लगवाना है उसका पता क्या है, एड्रेस क्या है, और उसके बाद विलेज सिटी और डिस्ट्रिक्ट भरना है। दोस्तों नीचे आना, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की डिटेल भरनी होगी। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑलरेडी जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, तभी आपसे यहाँ पर डिटेल ले लेगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। अगर कोई डिटेल प्रॉब्लम है तो उसे एडिट भी कर सकते हैं, आपका बिजली बल भी यहाँ पर लिखा होगा। सेंसिंग लोड, आपके यहाँ भी कितने किलोवाट का कनेक्शन है वो भरना, 1 किलोवाट 2 किलोवाट। इसके बाद मोबाइल नंबर आपका यहाँ दिखेगा, अगर एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते, ईमेल भी आप एडिट कर सकते हैं। सोलर रूफटॉप डिटेल आपको यहाँ सिलेक्ट करनी, सिलेक्ट रेसिडेंशियल है या रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, तो घरेलू अगर आपको तो रेसिडेंशियल सिलेक्ट करना है। और इसके बाद प्रपोजल, प्रपोज सोलर प्लांट कैपेसिटी, आप कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, 1, 2 या 3 जो भी है वो आप भरना है। कैपेसिटी ऑफ सोलर प्लांट इफ एनी एग्जिस्टिंग इंस्टॉलमेंट, अगर आप पहले से ही सोलर पैनल आपके घर पे लगा है थोड़ा बहुत 1 किलोवाट या 2 किलोवाट, वो भी यहाँ पर दर्शाना है, नहीं है तो इसे छोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर आपको अपना एरिया सेलेक्ट करना होगा, फाइंड एड्रेस और प्लेसेस, आपको यहाँ पर मैप में जूम कर करके जो भी आपका एरिया हो ना उसे सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपके भर जाएंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पाएंगे, जिसमें आपको अपना बिजली बिल और आधार कार्ड वगैरह अपलोड करना होगा, तो आप कर लें। थर्ड में फाइनल सबमिशन आपको कर देना है। इसके बाद फाइनल सबमिट करने के बाद आपको इंतजार करना होगा, पहला स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको फिजिबिलिटी अप्रूवल के लिए इंतजार करना होता है। फिजिबिलिटी स्टेट दोस्तों ये होता है, जो मैंने बताया ना, जो सरकार ने सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए कंपनियों को निर्धारित किया है, वो कंपनी आपको कॉल करेंगी, वही फिजिबिलिटी स्टेट जब आपकी बात हो जाए ना कंपनी से, तो वो आएंगे आपके घर पर, देखेंगे कि आपके यहाँ सोलर पैनल लगाने योग्य जगह है या नहीं है, उसे फिजिबिलिटी स्टेट बोलते हैं। तो वो जब कंप्लीट होगी तो वो वहाँ पर रिपोर्ट लगा देगी वो कंपनी कि हाँ इन्होंने आवेदन किया था और इनके यहाँ जगह पर्याप्त है, तो यहाँ पर ओके, तो अपने आप ग्रीन कर देगा, ये कंपनी करेगी, इसलिए आपको वेट करना होगा। इसका सबमिट इंस्टॉलमेंट डिटेल, अब इंस्टॉलेशन डिटेल और इसका सबमिट, आपको इंस्टॉलमेशन डिटेल सबमिट करनी होगी। इंस्पेक्शन स्टेटस ये भी आपको कंपनी ही करेगी। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं प्रोजेक्ट कमीशन स्टेटस, यहाँ पर देखें सब्सिडी रिक्वेस्ट, जब ये सारे चीज़ें एक एक क्लियर होगी दोस्तों, इसमें समय लगेगा, ऐसा नहीं कि सब एक साथ क्लियर हो, थोड़ा थोड़ा समय लगेगा। इसका सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन जब हो जाएगी, आपके अकाउंट में सब्सिडी आ जाएगी, तब भी ये ग्रीन हो जाएगा। तो ऐसे आप यहाँ पर पूरा ये प्रोसेस होगा, जब लास्ट स्टेप आएगा तब यहाँ पर आप बैंक डिटेल सबमिट, बैंक डिटेल भी आप यहाँ पर अभी भी कर सकते हैं, अगर आप का जिसमें आप पैसा मंगवाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। वही देखिए सारे यहाँ पर एप्लीकेशन ऊपर यहाँ पर दिए गए हैं, और ट्रैक डिटेल आप यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर आप लोन लेना चाहते हैं, जैसे आपका जो भी पैसा, सपोज दैट आप 2 किलोवाट का लगा रहे हैं, मान लो 80,000 रुपये का 2 किलोवाट लग रहा है, तो आपको लगभग 60,000 दे देगी का आपका गवर्नमेंट सब्सिडी मिल जाएगी, और जो 20,000 बचेगा उस पर आप लोन भी ले सकते हैं, बैंक लोन है ना। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि आपको पहले पैसा पूरा लगाना होगा, कंपनी सरकार सब्सिडी आपको बाद में देगी जब आपकी रिपोर्ट वगैरह लग जाए। देखा कितने आसानी से पीएम सूर्य घर योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। मैंने पूरा प्रोसेस इस वजह से दोस्तों नहीं बताया, हालांकि मैंने पूरा डिटेल आपको एक एक बता दी है, सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर लेना है, लास्ट सबमिट कर देना है, और मुझे करना नहीं था, तो बट मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझा दी, सारी डिटेल समझा दी।
तो दोस्तों ये वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पीएम स्वरोजगार योजना एक बेहतरीन स्कीम है, इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। इसके लिए बिजली कनेक्शन होना अति आवश्यक है, बिना बिजली कनेक्शन के दोस्तों इसमें आवेदन आप नहीं कर पाएंगे। फिर भी आपका कोई डाउट है पीएम स्वरोजगार योजना से संबंधित तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।